हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं और आगे अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमको जो गिवन इक्वेशंस है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको इन इक्वेशंस को। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग देम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी विच आर द कोएफिशिएंट्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है उसको लिखते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने पहले वाई स्क्वायर को लिखा, माइनस वाई स्क्वायर इधर गया तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। देन कम्स आर टू वाई, प्लस टू वाई रहेगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टेन, वी हैव टू टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, है ना। नाउ इफ वी कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, अगर हम उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बिकॉज देखिए, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, x का टर्म है और c का टर्म है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। नाउ कंपेयरिंग दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर आप कंपेयर करेंगे, मान लीजिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x, एक्स स्क्वायर एंड x इज बेसिकली वाई स्क्वायर एंड y, तो a का वैल्यू कंपेयर करके वी गेट 1, a इक्वल टू 1, राइट। b कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 2, एंड सी को कंपेयर करेंगे तो इट इज माइनस 10। हमेशा जो नंबर्स है, आप कोएफिशिएंट जो भी आप ले रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक इट विद द साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यू हैव टू टेक इट एज सी इक्वल टू माइनस 10। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड गो विद द सेकेंड क्वेश्चन। एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 विच इज 2x प्लस 1, ये 2x को इधर ले लीजिए, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 को भी इधर ले लीजिए, माइनस 3 हो जाएगा, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इफ वी सी, तो ये माइनस 2x है एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 2x, सो दैट बिकम्स माइनस 4x, राइट। लाइक टर्म्स को हम साथ में सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस 4x हो जाएगा। देन प्लस 1 एंड माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस 1 2 आएगा, साइन रहेगा बड़े नंबर का, इसीलिए माइनस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ इफ वी कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारा a कोएफिशिएंट क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा, राइट। सो विच इज a इक्वल टू 1। जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा b होगा, सो b बिकम्स माइनस 4 एंड द कॉन्स्टेंट इज आर c, तो c इक्वल टू माइनस 2। लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड वन, अगेन द सेम थिंग। सबसे पहले सॉल्व करना है इसको एंड टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर, इसको अंदर लेके जाइए, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3 हो गया, प्लस x इधर गया तो माइनस x हो गया इक्वल टू 0। सो नाउ एक्स स्क्वायर, दिस 5x एंड माइनस x आर लाइक टर्म्स, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5x माइनस x विल गिव यू 4x, साइन रहेगा बड़े नंबर का विच इज प्लस का साइन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ हमको क्या करना है, हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो a इज 1, x का कोएफिशिएंट है 4, तो b इज 4,
एंड सी इज आर थ्री. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट. 3m2, 2m2 को इधर लिया तो -2m2 हो गया, -9 को इधर लिया तो +9 हो गया, इक्वल टू 0. नाउ 3m2 -2m2 विल गिव यू m2 +9 इक्वल टू 0. नाउ वी कैन सी दैट इट इज स्टिल नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax2 + bx + c बिकॉज x2 वाला पार्ट प्रेजेंट है, x2 वाला टर्म प्रेजेंट है, लेकिन x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. तो x वाला टर्म हमको लाना पड़ेगा. कैसे लाएंगे? वॉट विल डू, विल राइट m2 + m वाला टर्म नहीं है ना, m मतलब x हो गया बराबर, वो वाला टर्म नहीं है, तो विल राइट 0m +9 इक्वल टू 0. बस मैंने वो वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में ताकि मैं a, b और c का वैल्यू लिख सकूं. तो अब a हमारा क्या होगा, m2 का कोएफिशिएंट विच इज 1, b विल बी 0 एंड c विल बी 9. ओके नाउ लेट्स गो अहेड विद द फिफ्थ क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं पहले. p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p + 6p स्क्वायर हो जाएगा, -5 इधर गया तो +5 इक्वल टू 0, है ना. सॉल्व हो गया सम. अब बस a हमारा क्या होगा, इस अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए लोग गलती कर सकते हैं, आप p का कोएफिशिएंट को a मत लिखिएगा, p स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा. ये तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए ax2 + bx + c के फॉर्म में, तो कैसे आ जाएगा 6p स्क्वायर + 3p + 5 इक्वल टू 0. अब p स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो आपका a होगा, p का कोएफिशिएंट आपका b होगा एंड c विल बी द कॉन्स्टेंट विच इज 5. लेट्स सॉल्व द लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन. x2 - 9 इक्वल टू 13. लेट्स टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. +13 इधर गया तो -13 इक्वल टू 0. तो x2 माइनस माइनस प्लस होता है, 13 प्लस 9 इज 22, तो यहाँ पे आ जाएगा -22 इक्वल टू 0. अगेन वी हैव x2 का टर्म बट वी डू नॉट हैव x का टर्म. तो x का टर्म कैसे आएगा, वील हैव टू इंट्रोड्यूस इट बाय राइटिंग x2 + 0x -22 इक्वल टू 0. बाकी सब मैंने एज इट इज रखा है, बस मैंने ये प्लस 0x वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, सो दैट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x2 का कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू इज 0, x का कोएफिशिएंट, एंड c इज -22. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड क्वेश्चन. तो अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.